सो हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव फ्रॉम असाइनमेंट एक बार फिर से डाउट है किसी ने पूछा है मुझसे किसी बच्चे का डाउट फॉरवर्ड हुआ है मेरे पास सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख करके भी दिया हुआ है है ना क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन फोर्टी फाइव एंड मैं स्क्रीन को होल्ड कर रहा हूँ सो दैट कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रीड कर सको सो so, क्वेश्चन आप रीड करें एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन What is it? What is there in this question? So, it is like we have two, as you can read in the first line, two identical conducting spheres. We have two identical conducting spheres, they are identical in the geometrical shape. So, let us say their radii they are equal to r. The radius of the both spheres is suppose that capital R given in the problem, given in the problem. This radius capital R is given as 0.500 centimeter, and these two spheres are actually connected. These two spheres are actually connected by some wire. So, let us say these two wires are connected by some conducting wire, and then we put some charge on any one conductor 60 micro coulomb. तो सपोज दैट वी पुट 60 माइक्रो कोलम चार्ज लेट से वी पुट पुट दिस 60 माइक्रो कोलम चार्ज ऑन दिस कंडक्टर वो जहाँ लिखा हुआ है द चार्ज ऑफ 60 माइक्रो कोलम इज़ प्लेस्ड ऑन वन ऑफ़ द कंडक्टर्स तो ठीक है सिक्सटी यहाँ रखा बट यहाँ पर क्या कंडीशन होने वाली है कि ये दोनों कंडक्टर क्योंकि एक वायर से कनेक्टेड हैं कंडक्टिंग वायर से आपस में जुड़े हुए हैं सो so, जो चार्ज आप इस कंडक्टर को दोगे वो ऑटोमेटिकली इसके साथ साथ इस स्फीयर के पास भी डिस्ट्रीब्यूट होगा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जनरलाइज कर दूँ लेट्स से कंडक्टर वन इज ऑफ रेडियस आर वन एंड द कंडक्टर टू इज ऑफ रेडियस आर टू हम बाद में इस क्वेश्चन के हिसाब से आर वन इक्वल टू आर टू पुट कर देंगे बट अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जनरल वे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ let's say the radius of sphere 1 is r1 and the radius of sphere 2 is r2 and suppose that the 60 micro coulomb charge is denoted by capital q now the question 1 how this charge capital q will be distributed between the two spheres because there will be distribution of charge this capital q charge will be distributed on both spheres because they are connected by the conducting wires and if you remember our classroom lecture if you remember the classroom lecture then we know that, that we know that the distribution of charge on two spherical conductors connected by wire it always take place in proportion with the radius what does it mean अगर हम कैपिटल क्यू में से लेट्स से क्यू वन चार्ज इस कंडक्टर को देते हैं एंड क्यू टू चार्ज इस कंडक्टर को देते हैं देन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ये हमारे क्लासरूम के अंदर डिस्कस हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्यू वन और क्यू टू का रेशियो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस रेडियस सॉरी इट इज ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ रेडियस दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वस टू द कैपिटल क्यू विच इज आवर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज मैं फिर रिपीट कर दूँ यहाँ पर मिस्टेक करती थी मैंने कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसका रेशियो उनके रेडियस के प्रपोर्सन में होता है एंड द टोटल चार्ज क्यू वन प्लस क्यू टू इज क्यू ना यहाँ से मुझे क्यू वन एंड क्यू टू की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू सॉल्व करनी पड़ेंगी सो इट इज क्यू कैपिटल आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू एंड देन सिमिलरली क्यू टू डिड इक्व टू कैपिटल क्यू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू यहां पर क्यू वन क्यू टू फाइंड आउट करने के बाद जब चार्जेस क्यू वन क्यू टू हमने निकाल लिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है वो ये अल्टीमेटली हमें इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उस स्ट्रिंग के अंदर फोर्स फाइंड आउट करनी है जैसा कि आप देख सकते हो वी हैव टू डिटरमाइन द टेंशन इन द वायर विच वायर सो दिस वायर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इफ यू फोकस ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस स्पीयर फ्री बॉडी डायग्राम देन देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू स्पीयर्स एंड दैट रिपल्सिव फोर्स एज पर द कुलम्स लॉ विल बी वन ओवर फोर पाए एप्साइल जीरो क्यू वन एंड क्यू टू आर देयर से चार्जेस divided by separation between the centres and the separation between the center of sphere one and the center of sphere two. If the length of wire is given, the length of wire is given in this question you can see here two meter. So let us say this two meter equals to small d. let small d denotes this length and that means the total separation between the centres of two spheres. इज टोटल सेपरेशन दैट मीन्स फ्रॉम सी वन टू सी टू इज आर वन प्लस आर टू एंड प्लस डी स्क्वायर दिस इज द कोलम्बिक फोर्स बिटवीन द टू कंडक्टिंग स्पीयर्स मैं इसको जनरलाइज सॉल्व कर रहा हूँ आप क्वेश्चन ओरिएंटेड जब सॉल्व करेंगे तो आर वन और आर टू को इक्वल पुट कर लेंगे और जब आप आर वन आर टू को इक्वल पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्यू वन क्यू टू की वैल्यूज़ कैपिटल क्यू बाई टू और कैपिटल क्यू बाई टू अपने आप आ जाएगी इसके अलावा जब ये एक दूसरे से रिपेल करे जाएंगे तो उस रिपल्सन की वजह से इस वायर के अंदर एक टेंसाइल फोर्स आएगी से कैपिटल टी टेंशन इन द वायर एंड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, दीज टू फोर्सेस विल ऑलवेज कैंसल ईच अदर एंड देयर फोर द फाइनल आंसर विल बी दैट टी इक्व टू वन ओवर फोर पाई एप्सैलन जीरो क्यू वन क्यू टू डिवाइड आर वन प्लस आर टू प्लस डी square now according to the question r1 and r2 both are equal so now if i put the numbers if i put the numbers of radii 0.5 centimeter if i put a d equals to 2 meter if i put total charge capital q as a 60 micro coulomb and if i calculate this value if i calculate this value then according to this specific problem the answer of capital t will be around Two point zero zero Newton, approximately two Newton.